Dear students of 9th class, today we will discuss, आज के इस लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज करने वाले हैं. The chapter is lines and angles of your textbook, that is textbook of 9th class, which is prescribed by J.K. Bose or CBSC या वो NCERT के textbook में भी एक चैप्टर है 9th class. लाइन्स एंड एंगल्स, इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक थिंग्स का इल्म होना लाजमी है. दैट इज, हमें लाइन्स और एंगल्स के बेसिक्स का इल्म होना लाजमी है. अब हम पहले लाइन्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करने वाले हैं. डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि एक पॉइंट जो होता है ज्योमेट्री, पॉइंट कैन नॉट बी डिफाइन, वो हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट वी कैन टेक ए रिप्रेजेंटेशन. ए शार्प डॉट इन ए प्लेन, या इस तरह भी हम कर सकते हैं. यहां पे व्हाइट बोर्ड है, इस पे अगर हम छोटा सा डार डाल देंगे इस ब्लैक पेन से, दैट मे बी कंसिडर एज ए पॉइंट. उसको हम कंसिडर कर सकते हैं अ पॉइंट. अब अगर हमारे पास एक पॉइंट होगा डियर स्टूडेंट्स, एक पॉइंट, वी हैव प्लेन, वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स. अब इनफाइनाइट पॉइंट्स को छोड़ दिया, हम एक पॉइंट की बात कर रहे हैं. अगर हमारे पास एक पॉइंट, उसका स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, एंड यू नो ए पॉइंट इज डायमेंशनलेस, ये आप जानते ही. अब अगर एक पॉइंट है, हम उस पॉइंट पे कंडीशन डाल देंगे ए मूविंग पॉइंट, ये मालूम नहीं है वो कब से मूव कर रहा है और कब तक मूव करेगा. ए मूविंग पॉइंट, रिमेंबर दिस मूविंग पॉइंट. अगर हमारे पास एक मूविंग पॉइंट होगा, मालूम नहीं है वो कब से मूव कर रहा है और कब तक मूव करता जाएगा. जब हम इस सिचुएशन को लें, ये जो उसका मूवमेंट होगा वो एक रास्ता बनाएगा. इट फॉर्म्स ए पाथ, इट फॉर्म्स ए पाथ. पॉइंट है, वो मूव कर रहा है, कहां से कर रहा है, किधर जा रहा है, मालूम नहीं है. मान के चले ये मूविंग पॉइंट है, ये यहां से मूव कर रहा है, मालूम नहीं है किधर जा रहा है, मूव कर रहा है, कब से कर रहा है ये भी मालूम नहीं है, कब तक करेगा ये भी मालूम नहीं, बट ट्रेसेस ए पाथ, ये पाथ को ट्रेस करेगा. दैट पाथ इज कॉल्ड करो, ये आप जानते होंगे. दैट पाथ इज कॉल्ड करो, उसे हम करो बोलते हैं. उसको करो, हम करो के नाम से हम आप जानते हैं. एंड आपने लोअर क्लास में करो उसके बारे में पढ़ा होगा, सिंपलेस सिंपल करो, कॉम्प्लेक्स करो, एंड सो ऑन, क्लोज इट करो, ओपन करो, ये आपने पढ़ा होगा. वहां जाने की जरूरत नहीं है. हमारे पास एक मूविंग पॉइंट है, उस मूविंग से मूवमेंट से पाथ ट्रेस होगी. दैट पाथ इज कॉल्ड ए करो, उसको हम करो. अगर हम उस करो पे कंडीशन डाल देंगे जो मूविंग पॉइंट से हमें मिली है, या इस तरह हम उसी मूविंग पॉइंट पे कंडीशन डाल देंगे कि एक मूविंग पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो मूव कर रहा है, पहले भी इसी तरह कर रहा है और करेगा भी इसी तरह मूव, इन ए स्ट्रेट वे. अगर एक पॉइंट मूविंग पॉइंट स्ट्रेट वे मूव कर रहा है, मालूम नहीं है कब से कर रहा है, मूव कर रहा है स्ट्रेट वे, हम मान ले कि एक मूविंग पॉइंट का जो पाथ है, जो पाथ ट्रेस कर रहा है, वो पाथ स्ट्रेट है. दैट इज स्ट्रेट पाथ. जब ये स्ट्रेट पाथ हम ले रहे हैं,
उस वक्त उस स्ट्रेट पाथ को हम लाइन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ए लाइन, उसको हम कॉल्ड ए लाइन, कॉल्ड ए लाइन, उसको हम लाइन बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास लाइन, अब हमारे पास लाइन, एंड वी टेक ए सरफेस, सरफेस के बारे में कुछ चीजें आप जानते ही हैं। वी टेक ए सरफेस, अगर हमारे पास एक सरफेस होगा एंड लाइन, इफ द लाइन लाइज ऑन ए सरफेस होली, अगर हमारे पास एक सरफेस होगा उस सरफेस पे अगर हम इस लाइन को होली ड्रा कर सकते हैं, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। अगर हमारे पास कोई सरफेस होगा लाइन, उस पे होली लाइन करेगा उस सरफेस पे, देन दैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन, तब जाके उस सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं, उस सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास प्लेन है, प्लेन में एक लाइन है, प्लेन में एक लाइन, मान के चले ये जो व्हाइट बोर्ड है इट इज अ प्लेन, हम मान ले ये प्लेन है, ये स्टूडेंट्स हम कंसिडर कर रहे हैं इट इज अ प्लेन, ये व्हाइट बोर्ड जो है ये हम प्लेन मान रहे हैं, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन है, अब जबकि हमारे पास प्लेन है, वी हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स इन दिस प्लेन, वी मे कंसिडर इनफाइनाइट मूविंग पॉइंट्स, वी गेट इनफाइनाइट स्ट्रेट पाथ्स इन द सेम प्लेन, इस तरह हमारे पास इस प्लेन में इनफाइनाइट लाइन्स होंगी, इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। अब हमारे पास ये सारी चीजें हैं, प्लेन है, प्लेन में लाइन्स है और प्लेन में पॉइंट्स है, अब हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमें आगे ले जाना है, कौन सा रिश्ता है इन इन पॉइंट्स और इन लाइन के साथ, या इन लाइन्स का आपस में कौन सा रिश्ता है, ये हमें देखना है। पहले हम देख रहे हैं, अगर हमारे पास प्लेन है उसमें एक लाइन है और एक पॉइंट है, कहां ये मालूम नहीं है, टेकिंग दिस एज है, आप अगर एक पॉइंट एंड एक लाइन आपके पास है इन द सेम प्लेन, व्हाट विल वी डिस्कस, हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज हम डिस्कस कर सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट एक लाइन है, वी कैन फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन, ए हायर कंसेप्ट है, बट वी मे हैव टू डिस्कस दिस थिंग, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर पॉइंट है, एक लाइन है, एक प्लेन में हम उस पॉइंट से उस लाइन तक का डिस्टेंस देख सकते हैं, यू कैन ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू दिस, जितनी उस जितना उसका मेजरमेंट होगा वो इसकी डिस्टेंस होगी, इस पॉइंट से होगी इस लाइन तक, ये हम देख सकते हैं। दूसरा चीज क्या देख सकते हैं, अगर हमारे पास लाइन था और एक पॉइंट, we know by action, आप जानते हैं कि एक पॉइंट अगर प्लेन में होगा, we can draw infinite point, infinite lines from this point, ये भी हम यहां पे कर सकते हैं, इस पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन्स हम ड्रा कर सकते हैं, इस पॉइंट में से यहां पे हमने ये फिक्स्ड लाइन मान ली। अब यहां पे ये भी इस पॉइंट से होके एक लाइन ऐसा भी होगा विच इज पैरेलल टू दिस फिक्स्ड लाइन, यहां पे एक लाइन ऐसा भी हम ड्रा कर सकते हैं विच इज फिक्स्ड टू दिस लाइन, विच इज पैरेलल टू, सॉरी फॉर दिस, विच इज पैरेलल टू दिस फिक्स्ड लाइन, ये भी हम यहां पे सीख सकते हैं। और बहुत सारे इनफाइनाइट लाइन है, एक ही लाइन, यूनिक लाइन, रिमेंबर दिस पॉइंट, यूनिक लाइन विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट एंड पैरेलल टू ए फिक्स्ड लाइन,
ये भी हम सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब इस पैरेलल लाइन और इस लाइन के दरमियान का रिश्ता क्या है आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर हम इस लाइन पे कहीं पे भी पॉइंट देख लेंगे और उस पॉइंट से होके इस दूसरे, अगर यहां पे पॉइंट लेंगे यहां से होके यहां तक डिस्टेंस जो होगा, अगर दूसरा पॉइंट लेंगे यहां से होके यहां तक, वो तो सेम होगा। ये हम सीख सकते हैं, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज ऑलवेज सेम। ये आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। अब नेक्स्ट पॉइंट इज हियर, अब जो इस लाइन के बगैर जो लाइन बहुत सारी, मान के चले ये लाइन हम ले रहे हैं, इस लाइन से इट इज से एल, लेट अस टेक इट इज एम, एल एंड एम आर टू लाइन इन द सेम प्लेन। फर्स्ट कंडीशन पैरेलल तो हमने लिया, अब दो लाइन हैं, दे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट हियर से हो, यही दो पॉसिबिलिटीज है इफ वी हैव टू लाइंस इन ए प्लेन, या तो वो पैरेलल होंगी या तो वो इंटरसेक्टेड लाइंस होंगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, अब जब इंटरसेक्शन होगा वी गेट हियर, हमारे पास यहां पे एक एंगल्स मिलेंगे, ये एंगल होगा, इसी तरह ये भी एंगल हमारे पास होगा, ये भी एंगल होगा और ये भी। डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हम अब एंगल्स की बात आ गई, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट वीडियो में एंगल्स के बारे में कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। डियर स्टूडेंट, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।